टीम कॉम्बिनेशन पे ये बात कही जाती है कि वर्ल्ड कप का अगर हम इतिहास देखें, चाहे वो 83 हमने जीता था, 2011 जीता था, तो उसमें ऑलराउंडर्स की बड़ी भूमिका थी। महेंद्र अमरनाथ, युवराज सिंह जैसे ऑलराउंडर्स ने वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ इस टीम में ऐसा कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि उस क्वालिटी के ऑलराउंडर अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। जो आपने लास्ट वर्ल्ड कप में देखिए क्या होता है कि एक ऑलराउंडर एक ऐसा प्लेयर होता है कि जो आइदर वे टीम मतलब मैच को टर्न करता है और टीम को एक उसके परफॉर्मेंस से एक एनर्जी मिलती है। जो लास्ट वर्ल्ड कप हम देखेंगे तो युवराज का जो परफॉर्मेंस था, युवराज के परफॉर्मेंस के कारण और लोगों को भी जो उसके साथ जो परफॉर्मेंस करते रहे तो वो एक अलग सा माहौल बनता गया। और जब आप अच्छा करते हो, जीतते जाते हो, तो नेचुरली टीम का माहौल भी चेंज होता है। अब हम अगर उन सबको जैसे मोहिंदर की बात 83 वर्ल्ड कप आप देखेंगे तो मेरी कई बार संदीप पाटिल चूँकि हमारे कप्तान रहे तो बहुत लंबा डिस्कशन संदीप पाटिल से होते रहे। तो वर्ल्ड कप में उन्होंने भी नहीं सोचा था 83 में कि वो वर्ल्ड चैम्पियन हो जाएंगे, लेकिन उस टीम का जो कॉम्बिनेशन था जो आप देखेंगे तो सारे ही ऑलराउंडर्स थे। मतलब मुश्किल से आप 11वें नंबर के प्लेयर को अगर छोड़ दें तो कीर्ति आज़ाद भी 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे जाके बैटिंग करते थे, मदन लाल भी बैटिंग करते थे, रुदर विनी भी बैटिंग करते थे, भाई कपिल और मोहिंदर तो बहुत उस समय और अभी भी एक महान ऑलराउंडर की श्रेणी में है, बाजी का तो क्रिकेट। तो ये सब प्लेयर्स थे जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अपना आइदर बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में सभी में देते थे। और वही एक मेजर इशू था और जिसने उसको 83 वर्ल्ड कप को जितवाया था। 2011 में भी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस युवराज सिंह का हो गया, एक वो भी ऑलराउंडर थे। अब अगर हम उन दोनों वर्ल्ड कप को कंपेयर करें तो मैं नहीं समझता कि उस क्वालिटी का, उस श्रेणी का ऑलराउंडर हमारे पास है। आप कहें तो स्टुअर्ट बिनी के लिए इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। हम ये कहें कि बहुत उत्तम दर्जे के या एक अलग क्लास के ऑलराउंडर हैं तो हम ये कतई नहीं कह सकते। बहुत नया करियर है, अभी अभी उनको मौका मिला है। लेकिन टीम के जो डाउनफॉल वर्ल्ड कप से ठीक पहले हम देख रहे हैं तो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर कहते हैं कि इसके लिए धोनी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो धोनी को ओवरऑल जिम्मेदार ठहराना कि ये धोनी के साथ अन्याय नहीं है, क्योंकि तो वही धोनी है जिन्होंने हमें बड़ी बड़ी सफलताएँ दिलाई हैं। नहीं, इस विषय में मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं होता। मैंने फिर कहा कि देखिए प्रोफेशनल वर्ल्ड है ना, हम यहाँ हर इंसान जो आया है उसको कुछ ना कुछ डिलीवर करना है। और ये सही है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना। हम धोनी के यहाँ वो चीज़ नहीं है कि हम धोनी के जो पिछले कीर्तिमान स्थापित किए हैं या धोनी के जो काम हैं उसको हम नकार रहे हैं। वो अपनी जगह है, वो एक ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन में से है, वो हिल भी देयर, वो हिल रिमेन देयर। बट क्या होता है कि समय के साथ आपका परफॉर्मेंस प्लस आपकी पकड़ कब ढीली होती है टीम से, जब आपका परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं होता। एक कप्तान को अगर देखेंगे तो कप्तान के लिए सबसे ज़रूरी होता है फ्रंट से लीड करना, है ना। तो हम धोनी को कुछ समय से जब हम देखेंगे उसका, तो जो एक अवे जो होता है विदेशों में जो परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए और फ्रंट से जो लीड करने वाली क्वालिटी है वो अभी नहीं दिख रही है। तो वो एक बहुत बड़ा सनी भाई का कहना है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। देखिए हम यहाँ सब और ये सही भी है कि हमारे यहाँ उगते सूरज को नमस्कार किया जाता है, सलाम किया जाता है, और वहाँ कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस का आकलन